अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे आप लोग। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बाद रखे, तकलीफों से बचाए, परेशानियों से बचाए, आमीन आमीन। मैंने खोया बनाया, खोया बनकर तैयार हो चुका है। चले वीडियो की तरफ। खोया बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध उबलने के लिए रख दिया है। ये देखें, ये उबलना स्टार्ट हो गया। ये मेरे पास 1.5 लीटर फुल फैट दूध था, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। मैं बना रही हूँ खोया। ये देखें, ये पक रहा है, जो इसके ऊपर मलाई आ रही है वो साइडों पे करते जाना है। ये देखिए, दूध हमारा पक रहा है और जो मलाई आ रही है उसको इस तरह साइडों पे लगाते जाना है। दूध पक पक के कम होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, और कितनी मोटी मोटी मलाई आ रही है इसके ऊपर। ये देखें, दूध हमारा पक रहा है। आपने बस इसी तरह इसी फ्लेम पे इसको छोड़ देना है, खुद ब खुद ये पकता रहेगा और गाढ़ा होता रहेगा। और ये देखें, और आप अपने बाकी काम करें। बस आपने ये नहीं कि इसके ऊपर खड़े रहना है चूल्हे के पास, नहीं, ये खुद ब खुद पकता रहेगा। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको चेक करते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है इस तरह। खोया बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल और इजी काम है। ये सारा पकाई का काम है, बस इसने पकते रहना है। ये 1.5 लीटर मेरे पास फुल फैट दूध था। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दूध पक पक कर आधा, तकरीबन आधा हो चुका है। अभी थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, कि जैसे घी मक्खन वगैरह कुछ भी नहीं इसके अंदर शामिल करना। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दूध पक पक के गाढ़ा हो गया। ये देखें, अभी और ये पकेगा। इसके अंदर कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, ना मक्खन ना कोई घी वगैरह, बस इसको इसी तरह पकने देना है और थोड़ी देर। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा खोया देखें बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें, जब इतना थिक हो तो समझ लें कि आपका खोया तैयार है। अब हम इसको निकालते हैं किसी बर्तन में। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा खोया बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे मॉल में निकालते हैं। केक वाला सांचा, इसके अंदर अब हम अपने खोए को निकालते हैं, ताकि खोया इसमें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खोया मैंने निकाल लिया। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खोया हमारा ठंडा हो चुका है। छुरी की मदद से मैंने इस तरह इसके किनारे छुड़वा लिए। अब इसको निकाल के मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि देखें ये कैसा बना है हमारा खोया। देखो इस तरह करके ना, ताकि ये खोया हमारा आसानी से निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आप जिस तरह चाहें इसको मर्जी काट सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा खोया बनकर तैयार हो चुका है। आपको आप इसको किस तरह मर्जी टुकड़ों में काट लें, मैंने तो इस तरह बड़े बड़े पीस कर लिए इसके। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खोया हमारा बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसको काट के आपको दिखाया, ये कितना नरम और कितना सॉफ्ट बना है। प्यारे व्यूवर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन पर प्रेस भी करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द अज़ जल्द पहुँचे। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।